वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आस्तीन की डिज़ाइन। लंबाई 11.5 इंच लेना है और गोलाई 14.5 इंच। एक पेपर लेंगे, 3 इंच पर टिक लगाएंगे, फिर 1 इंच पर टिक लगाएंगे, ऊपर से 1/2 इंच पर टिक लगाएंगे। इस तरह हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और सिलाई लगाना है। अब इसे कट कर लेंगे। ऐसा हार्ट में हार्ड पेपर पर बनाई हूँ। अब बुकरम लेंगे, सेंटर में निशान लगाएंगे। अब इसे बीच में रखकर इस पर भी निशान लगाएंगे। अब 1 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर हमारा हार्ट रखकर इस पर भी निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच छोड़ेंगे और फिर हार्ड पेपर रखकर फिर से निशान लगाएंगे। इसे फोल्ड करके बीच में से कट कर लेंगे। जिस तरह निशान है वैसे ही हमें कट करना है। सबको इसी तरह कट करना है। अब इसे आस्तीन पर बीच में निशान लगाएंगे और इस्त्री से चिपका देंगे। अब इसे भी बीच में से कपड़े को कट करेंगे। इस तरह कट करने के बाद हमें बीच बीच में कट लगाना है। इस तरह कट लगाते जाएं। अब ग्लू लेंगे, इसे कपड़े पर लगाकर चिपकाएंगे। अब इस्त्री से ऊपर प्रेस करेंगे तो अच्छे से चिपक जाता है। अब 4 इंच का कपड़ा लेंगे, लंबाई 22 इंच लेंगे, इस पर हमें पिनटक्स डालना है। इस तरह कपड़ा रख के पिनटक्स बारीक लगाना है, फिर 1/2 इंच पर हमें सब पिनटक्स को डालना है। पूरे पर इसी तरह लगाने के बाद इस्त्री से बिठाएंगे, फिर आस्तीन का कपड़ा इस पर लगाकर पिन लगाएंगे। ऊपर से हमें सिलाई चलाना है। जिस तरह डिज़ाइन है उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाना है। सभी पर ऐसे ही सिलाई लगाएं। और ये नीचे के कपड़े को कट कर लेंगे। 2 इंच का कपड़ा चौड़ाई में लेंगे और आस्तीन के बराबर लंबाई लेंगे। दूसरा कपड़ा 3 इंच का और आस्तीन के बराबर लेंगे।
लंबाई। इस पर सिलाई चलाएंगे। इसे पलट कर ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे। अब इसके ऊपर फिर से कपड़ा रखेंगे और टॉप स्टिच लगा देंगे। अब नीचे से फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई चलाएंगे। आप सबके बीच में निशान लगा के इसमें हमें बटन लगाना है। अब एक डोरी लेंगे, इसे पहले से बना लिया है। अब इसे फोल्ड करके बीच में से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह फोल्ड कर करके हमें सिलाई लगाते जाना है। ये हमारी सिलाई यहाँ कंप्लीट हुई। अभी इसे मोड़ कर 5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से सिलाई लगा देंगे। हमारी सिलाई कंप्लीट। ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हुई। इसी तरह हमारी डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।